यूं तो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई सारे सितारे मौजूद हैं जिन्हें उनकी लाइफ में सच्चा प्यार हासिल हुआ है, इसीलिए तो आज वो सितारे अपने सच्चे प्यार के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वही बॉलीवुड में कई ऐसे भी सितारे हैं जिन्हें कभी भी सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ, क्योंकि उनके नसीब में कभी सच्चा प्यार पाना लिखा ही नहीं था। तो इसीलिए आज हम आपको बॉलीवुड के उन सितारों से रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें उनकी पूरी जिंदगी में कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला, इसीलिए तो आज भी वो सितारे अपनी लाइफ में तन्हा हैं। तो चलिए जानते हैं उन सितारों के बारे में। नंबर 10 पर है ग्रेसी सिंह। मुन्ना भाई, MBBS और लगान जैसी फिल्मों में नजर आने वाली खूबसूरत अभिनेत्री ग्रेसी सिंह आज तक सिंगल हैं, क्योंकि उन्हें कभी भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला, जिसको देखकर ऐसा ही लगता है कि इनकी जिंदगी में कभी भी सच्चा प्यार लिखा ही नहीं था, इसीलिए तो आज तक ये शादी नहीं कर पाई। नंबर 9 पर है सोनाली बेंद्रे। बॉलीवुड की प्यारी अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे का नाम एक्टर सुनील शेट्टी के साथ जोड़ा गया था, जिनसे ये काफी प्यार करने लगी थी, मगर इन्होंने जिस शख्स से प्यार किया वो पहले से ही शादीशुदा था, जिनकी इस बात से तो यही पता चलता है कि इनके नसीब में प्यार नहीं लिखा है, इसीलिए तो जब इन्हें इनका प्यार सुनील शेट्टी नहीं मिले तो इन्होंने गोल्डी बहल से शादी कर ली। नंबर 8 पर है रानी मुखर्जी। बॉलीवुड की क्वीन रानी मुखर्जी का नाम कुछ सालों पहले इनके को एक्टर रह चुके अभिनेता गोविंदा के साथ जोड़ा गया था, जिनके साथ ये रिलेशनशिप में थी, मगर इनका ये रिलेशन ज्यादा समय तक नहीं चला, जिसके बाद ये दोनों अलग हो गए, जिसे देखकर तो यही लगता है कि रानी मुखर्जी के नसीब में प्यार नहीं था, सिर्फ समझौते भरी शादी थी, इसीलिए तो इन्होंने आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली। नंबर 7 पर है महिमा चौधरी। परदेश मूवी से बॉलीवुड में एक ऊंचा मुकाम हासिल करने वाली अभिनेत्री महिमा चौधरी ने सबसे पहले लिएंडर पेस को डेट करना शुरू किया, जिनसे ये शादी भी करना चाहती थी, मगर उन्होंने इन्हें धोखा दे दिया था, जिसके बाद इनकी जिंदगी में कदम रखा बॉबी मुखर्जी ने, जिनसे इन्होंने शादी की, मगर उन्होंने भी इन्हें शादी के बाद धोखा दे दिया, जिसके बाद इन्होंने उनसे डिवोर्स ले लिया, और तभी से इन्हें यकीन हो गया कि इनकी जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं लिखा है, इसीलिए आज ये अपनी बेटी के साथ अकेली ही खुश हैं। नंबर 6 पर है रेखा। सदाबहार अभिनेत्री रेखा की जिंदगी में भी सच्चा प्यार नहीं लिखा था, इसीलिए तो जब इन्होंने अमिताभ बच्चन से टूट कर प्यार किया, तब भगवान ने इनके और अमिताभ के बीच में जया को दीवार बनाकर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें अपना प्यार नहीं मिला, जिसके बाद हार कर इन्होंने बिजनेसमैन से शादी कर ली, पर उनका भी देहांत हो गया और तभी से ये सिंगल हैं। नंबर 5 पर है सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली अभिनेत्री सुष्मिता सेन की पर्सनल लाइफ में कई सारे अफेयर्स रहे, मगर इनका एक भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया, मगर इन्होंने अपना भरोसा प्यार पर से टूटने नहीं दिया, पर हाल ही में इनके 12वें ब्रेकअप से इनका भरोसा प्यार पर से उठ गया है, और इन्हें अब पूरा यकीन हो गया है कि इनकी लाइफ में प्यार नाम का कोई शब्द नहीं है, इसीलिए तो आज भी ये सिंगल हैं। नंबर 4 पर है करिश्मा कपूर। साजन चले ससुराल और राजा बाबू जैसी फिल्मों में नजर आने वाली अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने अजय देवगन से प्यार किया तो उनसे इन्हें धोखा मिला, जिसके बाद इनकी जिंदगी में अभिषेक बच्चन आए, जिन्होंने फिर से इन्हें धोखा दिया, और फिर इनकी जिंदगी में कदम रखा संजय कपूर ने, जिनसे इन्होंने शादी के 7 वचन लिए, मगर उन्होंने भी इन्हें धोखा देकर इनका दिल तोड़कर रख दिया, जिसके बाद तो लगता है कि इनके नसीब में सच्चा प्यार है ही नहीं, इसीलिए तो आज भी ये तन्हा है। नंबर 3 पर है अमीषा पटेल। गदर मूवी से लाखों दिलों की धड़कन बनने वाली अभिनेत्री अमीषा पटेल कई एक्टर्स को डेट कर चुकी हैं, मगर इनका रिलेशन किसी के साथ भी नहीं चला, अब चाहे वो विक्रम भट्ट हो या फिर कनव पुरी, तभी तो प्यार के मामले में काफी अनलकी रही हैं, इसीलिए आज तक इन्हें सच्चा प्यार नसीब नहीं हुआ। नंबर 2 पर है मनीषा कोइराला। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा गाने से मशहूर हुई अभिनेत्री मनीषा कोइराला की जिंदगी में भी कोई न कोई आता जाता रहा है, इसीलिए तो इनका नाम विवेक मुशरान से लेकर नाना पाटेकर तक कई अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया, मगर उनमें से किसी ने इन्हें धोखा दे दिया तो किसी के साथ इनका रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया, जिसके चलते इन्होंने बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की तो उन्होंने भी इन्हें धोखा दे दिया, इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इनकी लाइफ में प्यार है ही नहीं, इसीलिए आज भी ये अकेली हैं। नंबर 1 पर है आयशा जुल्का। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री आयशा जुल्का का अफेयर भी कई अभिनेताओं के साथ रहा, मगर किसी ने भी इनसे शादी नहीं की,
जिसके चलते ही तो ऐसा ही लगता है कि इनके नसीब में प्यार था ही नहीं। इसीलिए इन्होंने अपने मम्मी पापा की पसंद के लड़के बिजनेसमैन समीर वाशी से शादी कर ली। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इन अभिनेत्रियों के नसीब में सच्चा प्यार नहीं है? आप हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी ही और खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।